डियर स्टूडेंट्स, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी एक्सेस, ये हमारा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और एक अच्छा टॉपिक है इसको बोला जाता है। तो देखो, अभी तक हमारे पास जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जो हमने रोटेशन के मैट्रिक्स पढ़े हैं, तो हमने तीन रोटेशन के मैट्रिक्स पढ़े हैं, रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये तीन मैट्रिक्स हमें पता है। तो अगर हमारा एम है रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई या जेड, तो वो डायरेक्ट मैट्रिक्स हम ओ इंटू टी में यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, प्रॉब्लम जो है एग्जाम में ज्यादातर ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा जाता है, आपको जो है कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिया जाएगा जहां पर आपको टी डायरेक्टली नहीं मिलता है, तो वहां पर हमें टी को बनाना पड़ता है। तो बच्चों देखो, यहां पर एक ये प्रॉब्लम है आपका, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी एक्सिस। तो पहले समझते हैं बच्चों आर्बिट्ररी एक्सिस का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको देखो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन करना है तो आप कर सकते हो, उसका मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है। आपको वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन करना है वो भी आप कर सकते हो, आपको जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन करना वो भी आप कर सकते हो। मान लो आपको एक आर्बिट्ररी एक्सिस दिया गया है, एक आर्बिट्ररी लाइन, एक्सिस मीन्स आर्बिट्ररी लाइन, एक रेंडमली कोई लाइन आपको दी गई है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में मुझे रोटेशन करना है, तो क्या हमारे पास टी अवेलेबल है डायरेक्टली इस लाइन के रेस्पेक्ट में रोटेशन करने का? नहीं है, तो हमें इसके लिए टी को बनाना पड़ता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर क्या करना होता है, हमें जब इस आर्बिट्ररी लाइन के रेस्पेक्ट में जब रोटेशन करना होता है बच्चों, तो देखो हमारे पास डायरेक्टली तो ऐसा मैट्रिक्स होता नहीं है, लेकिन रोटेशन के हमारे पास तीन मैट्रिक्स अवेलेबल है। कौन कौन से? एक तो एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। अगर हम कुछ कोशिश करके, कुछ स्टेप्स को लगा के, अगर इस आर्बिट्ररी लाइन को या तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले आए, या वाई एक्सिस के ऊपर ले आए, या जेड एक्सिस के ऊपर ले आए, तो हमारा रोटेशन फिर हम कर सकते हैं। और फिर बाकी जो स्टेप्स हम एडिशनल करेंगे उनको अंडू कर देंगे, जैसे हम पहले करते थे। जैसे हमने टू डायमेंशनल में क्या किया था, रोटेशन जब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में करते थे बच्चों, जैसे जब हम रोटेशन, अगर आपको रोटेशन करना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ट्राइंगल है, इसको आपको रोटेट करना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसको बेस बना करके आपको रोटेट करना है, तो आपके पास डायरेक्टली मैट्रिक्स होता था वो कॉस थीटा साइन थीटा वाला। लेकिन बच्चों अगर आपको एक आर्बिट्ररी पॉइंट दिया गया है, ये आपका रोटेशन ऑफ एक्सिस है, अब आपको इस पॉइंट को बेस बना के इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, तो हम क्या करते थे बच्चों, इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर देते थे ओरिजिन पर। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको रोटेट करते थे और फिर हम वापस इस पॉइंट को यहां पर ले आते थे। ठीक वही चीज हमें यहां पर भी करनी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो पहला स्टेप इसमें क्या होगा, सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो ये आर्बिट्ररी लाइन, देखो ये जो आर्बिट्ररी लाइन है, इस लाइन, ये लाइन जो है, इस लाइन जब आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा तो इस लाइन के साथ आपको दो चीजें दी जाएंगी। क्या चीजें दी जाएंगी? एक तो आपको इसका वेक्टर दिया जाएगा, वेक्टर किस फॉर्म में, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये इक्वेशन इस वेक्टर की जरूर दी जाएगी, इस लाइन की जरूर दी जाएगी। एक आर्बिट्ररी लाइन है, आर्बिट्ररी एक्सेस है, इसका डायरेक्शन वेक्टर आपको दिया जाएगा ए आई बी जे और सी के फॉर्म में, जिसमें आई जे के ये क्या है बच्चों, ये डायरेक्शन बता रहे हैं, मतलब ये एक्स, आई एक्स को बताता है, जे वाई को बता रहा है और के जेड को बता रहा है। और बच्चों ये ए बी सी क्या है, ए बी सी है हमारे कोफिशियंट्स, डायरेक्शन कोफिशियंट्स, कि ये किस डायरेक्शन में कितने पॉइंट से अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, और एक चीज तो ये आपको दी जाएगी, और दूसरी चीज आपको क्या दी जाएगी कि ये जो लाइन है कौन से पॉइंट से पास कर रही है, इस लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट आपको जरूर दिया जाएगा एक्स वाई और जेड के रिगार्ड्स में, ये पॉइंट आपको जरूर दिया जाएगा। तो ये दो चीज आपको हमेशा बताई जाएंगी कि आपका लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, प्लस आपका जो डायरेक्ट जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये दो चीज आपको दी जाएंगी। और देखो यहां पर स्टेप्स देखते हैं, अब देखो स्टेप्स हमें क्या क्या लिखने हैं। देखो हमारा एम क्या है, हमारा एम है टी को निकालना, ओ हमें दिया जाएगा ऑब्जेक्ट, टी हमें निकाल, टी हमें पता करना है, और हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ डैश आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। तो हमें जरूरत किस चीज की है, टी की, हमें टी बनाना है। तो देखो यहां पर टी डायरेक्टली नहीं दे रखा है, तो हम टी यहां पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बच्चों? देखो सबसे पहले स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे बच्चों, स्टेप नंबर वन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे कि ये जो आर्बिट्ररी लाइन है ये लाइन ओरिजिन से पास हो जाए।
ठीक है, क्योंकि देखो ये एक्स वाई जेड ओरिजिन से पास होते हैं तभी तो इनसे हम इनके रेस्पेक्ट में रोटेशन कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है कि जो आर्बिटरी लाइन है इस लाइन को हम इस तरह से ट्रांसलेट करें ताकि ये ओरिजिन से पास हो जाए, मतलब कि ये जो पॉइंट आपको दिया गया होगा इस पॉइंट को हमें ओरिजिन पे शिफ्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें पहला स्टेप क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। पहला स्टेप हमें क्या करना है बच्चों, ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन कैसे करना है, ताकि जो आपका पॉइंट है एक्स वाई जेड वो क्या बन जाए, जीरो 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 बन जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सोर्स है, ठीक है, और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो जो हम ट्रांसलेशन करते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन के लिए क्या मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है हमें, हमें पड़ती है इस मैट्रिक्स की जरूरत, जीरो वन जीरो 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 वन जीरो, और यहां पर आता है बच्चों टी एक्स, यहां पर आता है बच्चों टी वाई, और यहां पर आता है टी जेड। ये हमारा रो मेथड है, रो वाइज वाला मेथड, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है। तो बच्चों हमें यहां पर किस चीज की जरूरत है, टी एक्स टी वाई और टी जेड की। तो देखो टी एक्स टी वाई टी जेड केस निकालने के लिए क्या करना है, देखो ये आपका सोर्स है, मतलब एक्स वाई जेड की कोई ना कोई वैल्यू आपको दी जाएगी, सपोज करो टू थ्री फोर या कुछ भी दी गई हो, ये वैल्यू आपको दी जाएगी, आपको इसको जीरो बनाना है। ठीक है, तो देखो मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पहले बताया था, बहुत आसान है, एक्स वाई जेड को आपको क्या बनाना है बच्चों, जीरो 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 बनाना है। ठीक है, तो देखो ट्रांसलेशन का हमारा जो थीम है वो क्या होता है, एडिशन, मतलब कि हम एक्स में क्या ऐड करें ताकि ये जीरो बन जाए, वाई में हम क्या ऐड करें ताकि ये जीरो बन जाए, और जेड में हम क्या ऐड करें ताकि ये जीरो बन जाए। ठीक है बच्चों, तो देखो एक्स में क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस एक्स, मतलब कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको माइनस कर देना है, वाई की जो भी वैल्यू होगी उसको माइनस कर देना है, जेड की जो भी वैल्यू होना होगी उसको माइनस कर देना है। तो आपका ये टी एक्स टी वाई टी जेड क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। ये पहला स्टेप है, जब आप पहला स्टेप अप्लाई कर दोगे बच्चों तो आपका जो आर्बिट्रेरी एक्सेस है वो कहां पहुंच जाएगा, आपका आर्बिट्रेरी एक्सेस कहां पहुंच जाएगा, आर्बिट्रेरी एक्सेस देखो ये यहां पर था, अब ये आर्बिट्रेरी एक्सेस बच्चों यहां पर आ जाएगा, इस तरह से इधर से यहां से पास होना शुरू हो जाएगा, ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, और ये आपका आर्बिट्रेरी एक्सेस है वी, जिसकी वेक्टर दे रखी है आपको, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना है अगला स्टेप, अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हम वी को या तो एक्स के ऊपर ले जाकर रख दें, या वाई के ऊपर ले जाकर रख दें, या इसको जेड के ऊपर ले जाकर रख दें। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए देखो कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, उन स्टेप्स को अभी हम यहां पर परफॉर्म करके नहीं देख रहे, इसका एक डेरिवेशन होता है, इसका एक डेरिवेशन है प्रॉपर, जिस डेरिवेशन को यूज करके हम इस डायरेक्शन वेक्टर वी को एक्स वाई या जेड में से किसी एक के ऊपर रख देते हैं। तो जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो हम टारगेट सेट करते हैं कि हम एक्स के ऊपर ले जाना चाहते हैं, वाई के ऊपर ले जाना चाहते हैं, या बच्चों जेड के ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने एम बनाया कि हम इस वी को जो है वो जेड के ऊपर लेके जाएंगे। तो उसके लिए बच्चों एक मैट्रिक्स लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं एवी मैट्रिक्स। ठीक है, एवी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बच्चों अभी के लिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स का काम क्या होगा बच्चों, जब भी हम एवी मैट्रिक्स लिखते हैं तो एवी मैट्रिक्स क्या करता है बच्चों, जो आर्बिटरी एक्सेस दे रखा है वी, वो हमेशा इसको उठा के जेड के ऊपर रख देता है जब आप एवी मैट्रिक्स को अप्लाई करते हो। ठीक है, तो एवी मैट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्या वैल्यू देखिए बच्चों, ये है लैम्डा अपॉन वी, जीरो ए अपॉन वी जीरो, ये आपका पहला रो हो गया बच्चों। अभी देखो लैम्डा वी क्या है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अगला जो सेकेंड रो है वो है बच्चों माइनस ए बी अपॉन लैम्डा वी। ठीक है बच्चों, फिर है C अपॉन लैम्डा, फिर है B अपॉन V और जीरो। फिर थर्ड रो बच्चों हमारे पास क्या है, माइनस ए सी अपॉन लैम्डा V, देन वी हैव माइनस B अपॉन लैम्डा, देन वी हैव C अपॉन V एंड जीरो, और लास्ट में बच्चों आपका क्या है, जीरो 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 वन। तो आप देख रहे हो बच्चों लास्ट में जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये देखो क्यों ऐसा है, क्योंकि ये लास्ट का जो कॉलम और लास्ट का जो रो होता है ये डमी वेरिएबल होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल करने के लिए इसका यूज होता है। ये आपका भैया इक्वेशन नंबर टू हो गया है। और बच्चों इस मैट्रिक्स का यूज क्या होगा, इस मैट्रिक्स का यूज है जो आर्बिटरी लाइन आपको दे रखी है इस लाइन को उठा के हमेशा जेड के ऊपर ले जाना है। ध्यान रखना ये हमेशा आर्बिटरी वेक्टर वी को जेड के ऊपर रखता है। अगर आप वी को एक्स के ऊपर ले जाना चाहते हो तो बच्चों ये एवी मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चर कुछ और होगा। ये मैट्रिक्स जो डिराइव किया गया है ये इस चीज को ध्यान में रखकर डिराइव किया गया है कि हमें वेक्टर वी को जेड के ऊपर ले जाना है ताकि हम जेड के रेस्पेक्ट में रोटेशन कर सके। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर ये लैम्डा और वी ये सारी चीजें क्या है।
तो देखो आपको आपकी लाइन आर्बिट्री लाइन जो है उसका डायरेक्शन वेक्टर वी आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये आपको दिया गया होगा डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। जहां पर ये ए बी सी ये क्या है, ये है आपके डायरेक्शन कोफिशियंट्स। आई जे के क्या है, ये आपके एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, के रिप्रेजेंट कर रहा है जेड को, और ए बी सी इनकी डायरेक्शन कोफिशियंट्स हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट्स पर ये वेक्टर अवेलेबल है, वाई में कितने पॉइंट्स पर, जेड में कितने पॉइंट्स, ऐसा करके, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखो ये वी मिल गया हमें, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहां पर ये लैंडा और वी दो टर्म हमारे इस इक्वेशन में यूज हो रहे हैं। तो देखो ये ए बी सी जो आपको दे रखे ये तो आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी आर दी कोफिशियंट्स, कोफिशियंट्स ये आपको इस इक्वेशन से मिल गए हैं। अब हमें जरूरत किस चीज की है बच्चों, लैम्डा की। तो देखो लैम्डा की बच्चों डेफिनेशन क्या है, लैम्डा की डेफिनेशन है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी फिक्स है जिसको आपको याद रख लेना है, ये सारी चीजें इसके डेरिवेशन में अवेलेबल है। डेरिवेशन अभी हमने नहीं किया है तो आप इनको फिलहाल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इनको याद कर सकते हो। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और वहीं बच्चों वी की वैल्यू क्या होगी, वी की वैल्यू होगी बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बच्चों इतना काम आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। समझ गए आप इस चीज को क्या करना है। हमारा एम था कि जो आर्बिट्रेरी एक्सेस ओरिजिन पर आ गया था पहले स्टेप को जो हमने लगाया था, तो ये ओरिजिन से पास होना शुरू हो गया था। अब कोई भी आर्बिट्रेरी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है उसको मुझे जेड एक्सेस के ऊपर लाकर रखना है, ध्यान रखना है जेड एक्सेस के ऊपर लाकर रखना है। तो जेड एक्सेस के ऊपर लाके रखने के लिए एक मैट्रिक्स का यूज करेंगे जिसका नाम है एवी मैट्रिक्स। एवी मैट्रिक्स का ये स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको याद कर लेना आपको, एक बार ये इसको आप याद कर लोगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आगे रिफ्लेक्शन का भी ऐसा क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्शन भी इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आपको याद रख लेना है, जहां पर ये ए बी सी की वैल्यूज आपको डायरेक्शन वेक्टर से मिल जाएंगी जो कि आर्बिट्री लाइन का लिए आपको दिया जाएगा, और लैम्डा वी की वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेगी, लैम्डा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है बच्चों। ये चीज आपने याद रख ली, इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा को सॉल्व कर लेंगे यहां से, वी को सॉल्व कर लेंगे यहां से, एबीसी आपके पास है ही, फिर आप इस मैट्रिक्स में इन वैल्यूज को पुट कर दोगे, एवी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। जब एवी आपने बना लिया, एवी आपने अप्लाई कर दिया, इक्वेशन नंबर टू को आपने अप्लाई कर दिया बच्चों, तो अब देखो एवी के इफेक्ट से आपका जो डायरेक्शन, जो आपका आर्बिट्रेरी एक्सेस वो कहां पहुंच जाएगा, एवी के इफेक्ट से आपका जो आर्बिट्रेरी एक्सेस था ये था एक्स, ये वाई और ये जेड, और आपका जो लाइन वो यहां पर था बच्चों, ये लाइन अब किसके ऊपर आ जाएगी, ये लाइन बच्चों आ जाएगी अब जेड के ऊपर। जो आपका डायरेक्शन वेक्टर वी था अब किसके ऊपर आ चुका है, जेड के ऊपर आ चुका है। अब आप रोटेशन कर सकते हो क्योंकि Z के रेस्पेक्ट में रोटेशन करने का मैट्रिक्स आपको पता है, हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। तो अब आपको रोटेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू Z एक्सिस थीटा एंगल से, जो आपको दिया गया होगा प्रॉब्लम में। तो उसके लिए मैट्रिक्स आपको लिखना है, बहुत आसान है, कॉस थीटा साइन थीटा जीरो जीरो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो 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 वन जीरो 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 वन। बच्चों ये मैट्रिक्स कौन सा है, अगर आपको याद आ रहा हो, ये मैट्रिक्स यूज होता है किस चीज के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करने के लिए। तो जेड एक्सिस में जब हम रोटेट करते हैं तो बच्चों थर्ड रो थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और एक्स और वाई में चेंज होता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज होता है, तो इसकी वजह से ये मैट्रिक्स हम यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ने रोटेट कर दिया, आप देखो रोटेशन आपका हो चुका है, पर्पज आपका सॉल्व हो गया। लेकिन बच्चों अब आपको दो स्टेप जो हमने एडिशनली किए थे, एक स्टेप तो हमने ये वाला अलग से लगाया है, इसको हमें लगाना पड़ा क्योंकि हम रोटेशन नहीं कर पा रहे थे, और एक मैट्रिक्स हमने ये वाला यूज किया था। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को इसी ऑर्डर में रिवर्स इनवर्स करेंगे, इसको पीछे लेके जाएंगे। तो स्टेप नंबर थ्री से आपका रोटेशन हो गया, अब आपका देखो बच्चों आएगा, ये था स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री हो गया बच्चों। अब आपका अगला स्टेप आपका होगा स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फोर में क्या करेंगे बच्चों, स्टेप नंबर फोर में हम अंडू करेंगे किसको, अंडू करेंगे स्टेप नंबर टू वाले मैट्रिक्स को। जो स्टेप नंबर टू हमने, जो थ्री वाला तो हमें करना ही था, इसको तो हम अंडू नहीं करेंगे, ये तो एक्चुअली ये पर्पस हमारा यही था, लेकिन ये वाला मैट्रिक्स हमने एडिशनली किया था, इस मैट्रिक्स को अब अंडू करेंगे बच्चों। तो इस मैट्रिक्स को अंडू करने के लिए इसका ट्रांसपोज यूज होता है बच्चों, ए वी का अब ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मीन्स रोज को कॉलम बना देंगे और कॉलम्स को रोज बना देंगे। तो ए वी का ट्रांसपोज करना है बच्चों, बहुत आसान है, हमें यहां पर क्या लिखना है, एवी का ट्रांसपोज, एवी का यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज लिखना है।
तो इससे क्या होगा कि जो एवी मैट्रिक्स जो हमने पहले किया था स्टेप नंबर टू में, वो उसका इफेक्ट अंडू हो जाएगा। तो एवी का ट्रांसपोज जब हम लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा, रो बन जाएगी कॉलम और कॉलम बन जाएगा रो। तो ठीक है, तो हम देखो चेंज कर लेते हैं इनको, ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन वी, फिर माइनस ए बी अपॉन लैम्डा वी, फिर माइनस ए सी अपॉन लैम्डा वी एंड देन जीरो। फिर अब देखो सेकंड कॉलम को हम रो बनाते हैं, ये बनेगा जीरो सी अपॉन लैम्डा सी अपॉन लैम्डा, और थर्ड वैल्यू है बच्चों माइनस बी अपॉन लैम्डा जीरो। फिर थर्ड कॉलम को हम रो बनाते हैं बच्चों, ए अपॉन वी बी अपॉन वी सी अपॉन वी जीरो, और बच्चों अगला लास्ट है जीरो 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 वन। बच्चों ये आपका आ गया कौन सा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नंबर फोर। तो मैट्रिक्स नंबर फोर से क्या किया हमने, एवी को अंडू कर दिया। अब बच्चों एक मैट्रिक्स और बचा जिसको हमें अंडू करना है, ठीक है, स्टेप नंबर फाइव। स्टेप नंबर फाइव, स्टेप नंबर फाइव में बच्चों क्या करना है हमें, स्टेप नंबर फाइव में हमें करना है स्टेप वन को अंडू करना है। स्टेप वन को हमें अंडू करना है। तो स्टेप वन बच्चों कौन सा था, ये ट्रांसलेशन वाला मैट्रिक्स, इसको हमें अंडू करना है। तो देखो इसको अंडू करने के लिए क्या क्या करना होता है, बहुत सिंपल है। जो वैल्यू हमने यहां पर tx, ty और tz में लिखी थी, ठीक है, जो भी वैल्यू यहां पर लिखी थी उसको बस निगेटिव कर देना है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा था माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो अब वहां पर हम कर देंगे प्लस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला वाला था उसको हम माइनस कर देंगे, टी को रिवर्स कर देंगे, इनवर्स नहीं बोल रहे इसको, रिवर्स बोल रहे हैं, रिवर्स, ठीक है। तो इसको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने वाली मैट्रिक्स आएगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो एक्स वाई जेड वन, जो कि ये है टी एक्स, ये टी वाई और ये टी जेड। ठीक है बच्चों, तो जो भी वैल्यू आपने पहले मैट्रिक्स में यूज की थी जस्ट उसको निगेट करना है, निगेटिव वैल्यू उसकी लिखनी है, तो ये अंडू हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स नंबर बच्चों कौन सा आ गया, फाइव। तो देखो ये बच्चों फाइव मैट्रिक्स अब आ गए आपको, लेकिन आपको जरूरत किस चीज की है, आपको जरूरत है किस चीज की, ओ इंटू टी इज इक्वल टू ओ डैश। तो देखो ओ आपको ये ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना था आर्बिट्रेरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएंगे, यहां से आपको ओ मिल जाएगा। अब आपको टी की जरूरत है, तो आपको टी इसमें डायरेक्टली दिया नहीं गया था, तो इसीलिए हमने ये पांच मैट्रिक्स लिखे हैं। अब इन पांचों मैट्रिक्स को हमें एक मैट्रिक्स बनाना है, और उसी को हम बोलेंगे बच्चों क्या, टी, और हम ओ को टी से मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखो पांचों मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स बनाना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखो एक, ये सारा ऑर्डर आपको पता है, हम पहले कई बार कर चुके हैं। तो आपका मैट्रिक्स नंबर वन, जो आपका मैट्रिक्स नंबर वन था बच्चों, कौन सा वाला, ये मैट्रिक्स नंबर वन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स नंबर वन को आपको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स नंबर टू से। मैट्रिक्स नंबर वन को मैट्रिक्स नंबर टू से मल्टीप्लाई करना, वन वाला मैट्रिक्स ये रहा बच्चों, सेकंड वाला मैट्रिक्स ये रहा जो एवी मैट्रिक्स है। तो इसको हम सॉल्व करके एवी के वैल्यू को रख लेंगे, तो पहले मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड में रखेंगे, दूसरे मैट्रिक्स को राइट साइड रखेंगे। बच्चों ध्यान रखना इनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ऑर्डर को हमें ध्यान रखना है, वन को लेफ्ट साइड और सेकंड को राइट साइड, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव हमेशा नहीं होती है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे बच्चों तो एक मैट्रिक्स आएगा, अब वो एक मैट्रिक्स हमारा लेफ्ट साइड रखा जाएगा, और राइट साइड में बच्चों कौन सा मैट्रिक्स रखेंगे हम, थर्ड मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स कौन सा है बच्चों, ये रहा रोटेशन वाला जो हमने किया था जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो थर्ड मैट्रिक्स हो गया। अब देखो फिर से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, आप इन इसको और इसको मल्टीप्लाई कराओगे, तो फिर एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको। उस एक बड़े मैट्रिक्स को आपने रख दिया लेफ्ट साइड में बच्चों, और राइट साइड में कौन से मैट्रिक्स को रखेंगे हम, फोर्थ वाले मैट्रिक्स को। फोर्थ मैट्रिक्स कौन सा था बच्चों, ये रहा एवी का ट्रांसपोज वाला, एवी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो आप इस पूरे मैट्रिक्स को और इसको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, तो फिर से एक मैट्रिक्स आएगा बच्चों, एक बड़ा मैट्रिक्स बनेगा। आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है। ये एक बिग क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, तो आपको आराम से टाइम टेकन करके आप इस एग्जाम को क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैलकुलेटर को यूज करना। ठीक है बच्चों, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा। अब उस एक मैट्रिक्स को रखेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में बच्चों कौन सा मैट्रिक्स रखेंगे, फाइव वाला। फाइव कौन सा है, ये वाला जो ट्रांसलेशन का रिवर्स प्रोसेस था। ठीक है, तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखोगे कि यहां से फाइनली आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, फाइनली आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसी को हम बच्चों क्या बोलेंगे, टी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विद रेस्पेक्ट टू आरबी टेरी
एक्सेस जो भी आपको दिया गया है वी के फॉर्म में, वी के फॉर्म में आपको दिया गया है। तो बच्चों आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीज आपको फिर से आपको मैं देखो दिखा देता हूं, फिर से बता देता हूं, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी एक्सिस करना है तो आपको देखो एक वेक्टर दिया जाएगा, एक लाइन दी जाएगी जिसका डायरेक्शन वेक्टर वी आपको दिया जाएगा और वो किस पॉइंट से पास हो रहा है वो दिया जाएगा। अगर आपको देखो ये, अगर ये लाइन, ये आर्बिट्रेरी लाइन ऑलरेडी ओरिजिन से पास हो रही, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में दे देंगे कि एक लाइन दी गई है जिसका डायरेक्शन वेक्टर वी है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो बच्चों उस केस में ये पहला स्टेप हमें नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी ओरिजिन से पास कर रहा है, तो फिर हम शुरू करेंगे डायरेक्टली एवी से। तो उसमें केवल तीन स्टेप लगेंगे, पहले हम एवी करेंगे, फिर हम रोटेशन करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, और फिर एवी का ट्रांसपोज करेंगे। तीन मैट्रिक्स से काम चल जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करके सीक्वेंस में टी बना लेंगे। तो ये पांच स्टेप तब काम करेंगे बच्चों जब हमारा आर्बिट्रेरी एक्सेस एक रैंडम पॉइंट से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, प्लस उसका डायरेक्शन वेक्टर आपको दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप, अगर वो आर्बिट्रेरी एक्सेस एक रैंडम पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उसको ओरिजिन से पास कराएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे एवी मैट्रिक्स। एवी मैट्रिक्स क्या करता है बच्चों, किसी भी रैंडम लाइन को चाहे वो कहीं पर भी अवेलेबल हो, हमेशा वो उसको जेड एक्सेस पर रख देती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये एवी मैट्रिक्स आर्बिट्रेरी लाइन को हमेशा जेड के ऊपर ही लाता है क्योंकि ये इसी तरह से डिजाइन किया गया है। अगर आप चाहते हो कि इसको एक्स पे लाना है या वाई पे लाना है तो उसके अलग स्टेप्स हैं, इसका डेरिवेशन करना पड़ता है, डेरिवेशन करके फिर नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा। ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है ये हमेशा आर्बिट्रेरी लाइन को जेड के ऊपर रखेगा, ठीक है। जहां पर देखो ये ए बी सी कोफिशियंट्स हैं डायरेक्शन वेक्टर के, यहां से आपको मिल जाएंगे। लैम्डा और वी की इक्वेशन ये है, लैम्डा बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर रूट, और वी क्या है बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एडिशन करने के बाद अंडर रूट, ठीक है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, रोटेशन कर देंगे जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्योंकि हमारा आर्बिट्रेरी एक्सिस अब जेड के ऊपर आ चुका है। फिर हम क्या करेंगे, अंडू करेंगे। तो एवी को अंडू करेंगे तो एवी का अंडू कोइंसिडेंटली उसका ट्रांसपोज ही होता है, तो यहां पर हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, इसके रोज को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रोज बना देंगे, और यहां पर ट्रांसलेशन को रिवर्स कर देंगे, इसकी ये वाली वैल्यू जो पहले हमने लिखी थी स्टेप नंबर वन में उनको निगेट कर देंगे। तो ये पांच मैट्रिक्स आ गए, पांचों को एक सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका टी आ गया। बस अब आपको क्या करना है बच्चों, ओ इंटू टी इजिकल टू ओ डैश, बस ओ को लेफ्ट साइड रखेंगे, टी जो यहां से आया उसको राइट साइड रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ डैश आ गया। यही आपका बच्चों आंसर है, ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट, रोटेशन अबाउट, रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थर्ड यूनिट का, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, थ्री डी ट्रांसफॉर्मेशन का। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा, और अगले लेक्चर में आपको, अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में आपको मैं रिफ्लेक्शन का और बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे। तो देखो रिफ्लेक्शन का भी यही तरीका है, रिफ्लेक्शन भी हम इसको देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम एक तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, और रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट देखेंगे, और फिर इस रिस्पेक्ट में, इस यूनिट में हमारे पास एक टॉपिक बचेगा जिसका नाम है प्रोजेक्शन, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।